छत्रपती सह्याद्रीचा आठवे शिवाजी राजा आज गा वंदितो तुम्हा शिवराया राहू दे कृपेची छाया आठवे शिवाजी राजा आज गा जय भवानी जय शिवाजी के उद्घोषों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव राज्य अभिषेक के 350वें वर्ष और विश्व हिंदू परिषद के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कोंकण प्रांत के माध्यम से सिंधुदुर्ग से मुंबई तक शिव शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां वाशी से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने शिवमय उद्घोषों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्प अर्पित कर शिव शौर्य यात्रा का स्वागत किया। वाशी छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से निकली यह शिव शौर्य यात्रा कोपर खैरने पहुंची, जहां कोपर खैरने स्थित रांजन देवी माता मैदान में एक जाहिर सभा का आयोजन किया गया, जहां इस सभा में विशेष तौर पर मौजूद रहे थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक। इस दौरान शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर पुष्प अर्पित कर उन्हें वंदन किया गया। साथ ही आयोजित शिव शौर्य यात्रा सभा में भाग लेकर सामूहिक प्रार्थना का संजीव नाइक भाग बने। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना को घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और इस मुहिम में डॉक्टर संजीव नाइक ने भी हिस्सा लेकर उनके विचारों को आम जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद मुंबई क्षेत्रीय मंत्री गोविंद शेंडे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य पदाधिकारी मौजूद रहे। थाने के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। छत्रपति शिवाजी महाराजांचा शिवराज्याभिषेक 350 वर्ष विश्व हिंदू परिषद षष्टीपूर्ती शिवशौर्य यात्रेचं बजरंग दल कोपर खेरने आणि इतर सर्वांच्या माध्यमातून आज सुंदर असा उपक्रम झाला। आज सर्वच मान्यवरांच्या उपस्थितीत या शौर्य रथयात्रेचं मला वाटतं खारघरपासून तर आता दिघ्यापर्यंत ही यात्रा आहे। मला आनंद आहे की उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद सर्वच स्तरातील लोकांनी दिला। मला विश्वास आहे की ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची संस्था स्थापना केली आणि त्या स्थापनेच्या अनुषंगानं आज तरुणांमध्ये ही जागृती यावी की हे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे धनुष्यबाण पेरवलं होतं त्याची पुढच्या पिढीने सुद्धा वाटचाल त्याच पद्धतीनं करावी ही यामागची भावना आहे। नक्कीच असा हा आमचा राजा होणे नाही आणि म्हणून पुढच्या पिढीने सुद्धा याच्यातून प्रबोधन व्हावं आणि त्याच्यातून अनेक नवीन पिढीला त्याचा इतिहास माहीत व्हावा याच अनुषंगाने आहे आणि म्हणून आमच्या सर्वांच्या वतीनं या बजरंग दलाच्या उपक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा। ब्युरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क।